प्रभु की शरण, भगवान एक से दो नहीं हुए। ये अपार मूर्तियां जो देखने में आती है, अपार देवता, ये समय समय के महापुरुष हैं, आपके पूर्वज हैं, ये उनकी स्मृति संजोई है हमने, उनसे हम आशीर्वाद लेंगे, लेकिन भजन वैसे ही करेंगे जैसे उन महापुरुषों ने किया और स्थिति पाई। एक परमात्मा का भजन, यही आपके शास्त्रों का निचोड़ है। जहाँ जिस देश में संसार को सबसे पूर्व प्रथम धर्मशास्त्र देने वाला भारत आज शास्त्र विहीन भटकता है, इस बार कुंभ में उस शास्त्र की शोध हो गई, सब ने एक स्वर से स्वीकार किया, गीता हमारा धर्म शास्त्र है, गीता परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है, ये मानव दर्शन है। वर्ल्ड में कहीं दो हाथ पैर का मनुष्य जन्मा है तो उसका धर्म शास्त्र गीता ही है, वो ईसाई मुसलमान हिंदू कुछ भी कहलाता हो, किंतु सब का धर्म शास्त्र एक है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। कारण कि कृष्ण काल में दुनिया में किताबों का प्रचलन नहीं था, दूसरा और सबसे पूर्व वेद व्यास ने पुस्तकाकार किया पूर्व के ज्ञान को, सारा ज्ञान श्रुत ज्ञान शिष्य परंपरा में रटकर याद किया जाता था, इस परंपरा को तोड़ा वेद व्यास ने और उन महापुरुष ने अंत में निर्णय दिया कि मूलतः शास्त्र कौन है। चार वेद उन्होंने लिखा अवश्य, किंतु धर्म शास्त्र का सम्मान नहीं दिया, भागवत को नहीं दिया, महाभारत को भी नहीं दिया, ब्रह्मसूत्र वेद व्यास की कृति उसको नहीं दिया, सम्मान दिया तो गीता को। यही वेद व्यास की प्रमुख कृतियां हैं, गीता, भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, चार वेद। अंत में सब में से निष्कर्ष निकाल के उन्होंने निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या, कि मन्यई शास्त्र संग्रह है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, सदा स्मरण बना रहे तो हृदय में है, भूल जाता तो हृदय में नहीं है। ये पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख की वाणी है, ये सीधा प्रसारण है, परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है, फिर अन्य शास्त्र के पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत है। गीता आपका धर्म शास्त्र है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानियानि कर्माप्येको तस्य देवस्य सेवा। संसार में एक ही शास्त्र है, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने जो श्री मुख से गायन किया, गीता। एक ही देव है, पूजने योग्य सत्ता है, उस ज्ञान गायन में भगवान श्री कृष्ण ने क्या सत्य बता दिया। आत्मा, आत्मा परमात्मा पर्यायवाची शब्द है, एक ही मंत्र है, उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए हम क्या जाप करें। तो ओम, करीब 7 बार ओम शब्द आया है गीता में, अर्जुन ओम का जाप कर, मेरे स्वरूप का ध्यान धर। और एक ही कर्म है, यदि मानव तन मिला है तो एक ही कर्म है, मन कर्म वचन से गीता में वर्णित उस परम देव परमात्मा का चिंतन, उसकी सेवा, बस इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। गीता आपका धर्म शास्त्र है,
ये मजहब मुक्त है, संदेह मुक्त है, ऊंच नीच की भावनाओं से मुक्त है, जाति पाति छुआ छूत से मुक्त है, सृष्टि का मानव इसमें एडमिशन है, किसी ग्रह पर और कहीं सृष्टि दाता की होगी उसका भी इसमें प्रवेश है। ये न छूने से खत्म होता है, ना खाने से। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अन्यस्तोन्योश तत्वदर्शी भी। अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। असत्य का अस्तित्व नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता, वो है ही नहीं। भला क्या सत्य है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्या असत्य है जिसको रोका नहीं जा सकता, है ही नहीं। कहते हैं अर्जुन, आत्मा सत्य है, ये शाश्वत है, ये सनातन है, हम हैं सनातन धर्मी, सनातन ठहरी आत्मा, ये अविनाशी है, इसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता, आकाश अपने में समाहित नहीं कर सकता, ये काल से अतीत सदा रहने वाला, अव्यक्तोयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्य है सर्वगते स्थानुर अचलोयम सनातन। ये अवध्य है, शस्त्र नहीं काट सकता, परमाणु बम उसे नहीं मिटा सकता, अदाह्य अग्नि नहीं जला सकती, अशोक्य है वायु नहीं सुखा सकता, पृथ्वी में समाहित नहीं हो सकता, ये नित्य सत्य सनातन है। हम सत्य धर्म के अनुयायी, सत्य केवल आत्मा, हम सनातन के पुजारी, सनातन केवल आत्मा, और ये काल से अतीत सदा रहने वाला सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है, सब का भरण पोषण करता है, इसलिए प्रभु कहलाता है, संपूर्ण विभूतियों से युक्त है, इसलिए विभु कहलाता है। आप 1 करोड़ नाम लिख के जपते रहें रात दिन, संपूर्ण नाम कोई भी नहीं, विविध एंगल से चित्र खींचा गया है। भरण पोषण करता है तो प्रभु, विभूतियों से युक्त है तो विभु, स्वर निरोध के साथ अनुभूति होती है तो ईश्वर, काल से अतीत है तो अकाल पुरुष, एक ईश्वर परमात्मा, आत्मा पर्यायवाची शब्द है, और विधाता और उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। ब्रह्मा भी नश्वर, प्राणियों के सारे शरीर नाशवान है, दीति अदिति की संतानें नाशवान है, देवता और असुर नाशवान है, जो नश्वर की पूजा करता है नास्तिक, पापरायण, काफिर, और जो अस्तित्व की पूजा करता वो आस्तिक, अस्थि माने है, और नए अस्थि माने जिसका जो नहीं है। भूतादिकों के शरीर नाशवान है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, पंचभूतों से निर्मित कोई पदार्थ उसका स्पर्श ही नहीं कर पा सकता, तो जब भला छूने से, खाने से, 2 घूंट पानी पीने से सनातन कैसे नष्ट हो गया, अविनाशी का विनाश कैसा। एक भ्रांति थी, केवल शास्त्र को भूल जाने से ये भंवर आया, ये चक्रवात आया, ये एक ऐसा भूकंप आया कि लोग शास्त्र भूल गए और कृत्रिम शास्त्र सामने रख दिया कि लो ये शास्त्र, 100% समाज को अशिक्षित रख के, और फिर इस सिक्के को चला दिया खोटा, कुछ दिन चला, लेकिन जब शिक्षा आई तो सबके कान खड़े हो गए, सब प्रश्न करने लगे, उपदेशक भी गायब, शास्त्र भी गायब, आज मार्केट में कहीं आपको मनुस्मृति नहीं मिलेगी, कोई स्मृति नहीं मिलेगी, और नहीं उनके उपदेशक मिलेंगे।
ये एक भ्रांति थी। गीता आपका धर्मशास्त्र है। गीता के अनुसार मनुष्य यदि कुछ भूख ही नहीं होती तो हम भगवान को क्यों भजते? हमारे पास कुछ कमियां हैं, उसकी आपूर्ति के लिए हम असमर्थ हैं। इसीलिए हम भगवान से कहते हैं, प्रभु हम स्कूल में परीक्षा में पास हो जाएं, नंबर अच्छे हो जाएं, हमारा सर्विस लग जाए, हमारे नातू पैदा हो जाए, हमारा मल्ला भाव अच्छा मिल जाए। कोई न कोई कसक है जिसके लिए हम भगवान को याद करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन चार प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ दुख निवारण के लिए भजने वाला, अर्थार्थी धन धान्य पुत्र इत्यादि समृद्धि चाहने वाला, जिज्ञासु मूलतः सत्य है क्या जानने की इच्छा वाला, और ज्ञानी ज्ञानी मेरा स्वरूप है। अनेक जन्म भजन करते करते अंत में जो प्राप्ति वाला ज्ञानी भक्त है, मेरा स्वरूप है, मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है, उसे बैठा लो मुझे हटा दो एक ही बात, मुझे बैठा दो उसे हटा दो एक ही बात, अर्थात केवल ये पद प्राप्त चाहने वाला, चार प्रकार के भक्त मुझे बसते हैं। चारों उदार है। क्या भगवान के साथ हमने कुछ भलाई कर दिया क्या? कौन सी उदारता की? वास्तव में वो अपने आत्मपथ की ओर अग्रसर है, जिसे भजना चाहिए उसे भज रहा है, ये आत्म उद्धार की ओर अग्रसर है, इसलिए उदार है। मैं सब कुछ देता हूं, हमने भगवान से कभी मांगा ही नहीं, मांगने की जरूरत तो पता नहीं किस किस से मांग बैठते हैं, जिनके पास है नहीं उनसे मांग बैठते। मांगना है तो भगवान से मांगो, चारों उदार है। इतना ही नहीं, मांगने वालों के भिक्षा पात्र बहुत बड़ा होता है। बहुत से नियत विधि से, गीतोक्त विधि से भजकर मुझे बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गे लोकम विशालम श्रीने पुण्य मृत लोकम विशंति। मैं विशाल स्वर्ग लोक प्रदान करता हूँ, वो इंद्रपद को विभूषित करते हैं, किंतु पुण्य क्षीण हो जाने पर वहीं गिर जाते हैं जहां से मांगना शुरू किया था। स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी बहुत थोड़ा, पॉकेट में पैसा है तब तक 5 स्टार, फिर भागो वहां से। स्वर्ग भी थोड़ा स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में तुम्हारे लिए दुख का आरक्षण है। इंद्रपद मिला तो पुण्य क्षीण हुआ, इंद्रपद हमारे नीचे से हट गया, हम आगे फुटपाथ पर, दुख नहीं होगा क्या? स्वर्ग अवश्य चला जाएगा, क्योंकि आपने नश्वर ही मांगा था। नश्वर कभी शाश्वत होता नहीं, किंतु उस भक्त का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि मेरे पथ में बीज का नाश नहीं, आरंभ का नाश नहीं, श्वास के रहते रहते थोड़ा भी अभ्यास जिससे पार लग गया, उसका किसी जन्म में किसी काल में कभी विनाश नहीं होता, बल्कि स्वल्प अभ्यास के प्रभाव से अगले जन्म में वो अभ्यास ही करता है, और अगले जन्म में जहाँ साधन छूटा है वहाँ से आरंभ करता है, और अनेक जन्मों के परिणाम में वहीं पहुँच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए स्वर्ग भले चला जाए, किसी भक्त ने कुछ मांग लिया तो प्रभु कहते हैं मैं देता हूं, लेकिन जो ये घड़ी मांगा तो एक दिन टूट ही जाएगी, ये भले टूट जाए किंतु उसका साधना क्रम नहीं टूटेगा। ईश्वर पद की यही विशेषता है कि स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन इस गीतोक्त कर्म योग का स्वल्प आचरण, थोड़ा आचरण भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है, इसलिए सोचनीय वो है
जिसने गीता पढ़ी नहीं, गीतोक्त साधना को समझा नहीं, और समझ के जिसने श्वास के रहते रहते जीते जी दो कदम रख दिया उस पथ पर, उसका कभी विनाश नहीं होता। मोक्ष आज देखने को नहीं मिला, किंतु मोक्ष का आरक्षण भली प्रकार हो गया, होना ही होना है। इसलिए एक परमात्मा की शरण जाओ। लोगों में ये भावना रहती है, हमारे ऐसा पात की भला क्यों पार होगा, भगवान भरा इतने पापी की कैसे सुन लेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू सृष्टि के संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। गीतोक्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। चाहे उंगली माल और वाल्मीकि के उस्ताद क्यों न हो आप, गीतोक्त साधना समझो, लग भर जाओ, संपूर्ण पापों से भली प्रकार मुक्त हो जाएगा। और इसलिए गीता आपका ऐसा धर्मशास्त्र है, नीच ऊंच की पाप आत्मा और पुण्य आत्मा में अंतर नहीं डालता। आगे कहते हैं, भजन करने का अधिकार किसको, कौन भगवान के दरबार में जाए और कौन न जाए। तो अनित्यम म सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम, सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। प्रति क्षण ये शरीर भंग होता जा रहा है, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होता जा रहा है, ये क्षण भंगुर है, ये सुख रहित है, कोई न कोई दुख इसके पीछे घेर के खड़ा है, किंतु देवताओं को भी दुर्लभ है मानव तन। ऐसे दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। भजन करने का अधिकार इस मनुष्य शरीर को है, ये उत्तरी ध्रुव में जन्मा हो, ऑस्ट्रेलिया अरब में जन्मा हो, चाहे भारत में, यही कारण था कि आपके पूर्वज ये पवित्र उपदेश देते हुए मलाया, सिंगापुर, अमेरिका पहुंच गए, क्योंकि सबका एडमिशन है इसमें। भला आपका धर्म और नष्ट हो जाए, अविनाशी का विनाश कैसे होगा। बीच में एक भंवर आई थी, खाना खा लिया तो एक भाई मुसलमान एक हिंदू, कुछ छू लिया तो एक ईसाई एक क्या, भला धर्म भी कहीं परिवर्तन होता है। शाश्वत का नाश कैसा, सनातन अपरिवर्तनशील का परिवर्तन कैसा, एक भ्रांति थी। शास्त्र के विस्मृत हो जाने से ही भ्रांति आई। गीता काल में आज से 5,500 वर्ष पूर्व संसार में कोई मजहब था ही नहीं, मनुष्य थे, दुख थे, दुख का निवारण है गीता, और मनुष्य मात्र के लिए आधारशिला थी गीता, और उसके 3,000 वर्ष 2,000 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण के, हजरत मूसा बोले भाई एक भगवान सत्य है, 3,000 वर्ष पश्चात ईसा बोले भाई भगवान ही सही है, 4,000 वर्ष पश्चात मोहम्मद साहब ने कहा एक प्रभु की शरण जाओ और सब झूठ है। क्या कह रहे हैं लोग, ये सब गीता के अनुवादक हैं। गीता कहती सिवाय एक परमात्मा के सब झूठ है, सब अस्तित्व विहीन है, आज है कल नहीं रहेंगे, और वही बात यदि कह रहे हैं तो गीता का प्रसारण है, गीता के संदेश वाहक हैं। ये संदेश शुक्रात को मिला, देश विदेश में पहुंचा। एक ईश्वर, यही कारण है कि किसी महापुरुष संत का जब शरीर का कलेवर बदल जाता है तो उसकी समाधि पर एक शिवलिंग ऐसे रख दिया जाता है। शिव जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, शंकर जो शंकाओं से अतीत है, स्वयंभू जो स्वय स्वरूप की स्थिति वाला है, कर्ता धरता है, वो ईश्वर एक है, उसकी शरण जाओ। इसीलिए शिवलिंग ज्यादा पाए जाते हैं,
लिंग माने होता है चिन्ह, प्रतीक, एक परमात्मा का ये प्रतीक है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वो लिंग पुलिंग नपुंसक लिंग पढ़ाए जाते हैं, लिंग माने चिन्ह। स्त्री लिंग जिसमें स्त्रियों के चिन्ह पाए जाएं स्त्री है, पुरुष लिंग जिनमें पुरुषों के चिन्ह पाए जाते पुरुष है, नपुंसक लिंग जिनमें नपुंसक के चिन्ह पाए जाते नपुंसक है, ऐसे ही ज्योतिर्लिंग जो ज्योतिर्मय है, सहज प्रकाश स्वरूप है परमात्मा, ये उसका प्रतीक है। उस एक प्रभु की शरण जाओ, न कि शंकर जी कोई अलग से भगवान, एक परमात्मा का द्योतक है ये, एक प्रभु की शरण जाओ। लोग कहते हैं नई दुनिया अमेरिका अभी करीब 600 वर्ष से निकली, लेकिन घूम के जब लोगों ने सर्वे किया 3000 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला, शिव मंदिर मिला, दुनिया 600 वर्ष की और शिव मंदिर 3000 वर्ष पुराना, आपके पूर्वज सब जगह पहुंचे, एक ईश्वर का संदेश पहुंचाया। यहाँ भारत में काशी में शंकर जी के मंदिर में हरिजन न जाए, एक बवाल, मंदिर तो प्राप्ति वाले महापुरुषों के पीछे रखा हुआ चिन्ह है, उन महापुरुषों ने क्या किया, झाड़ियों में एकांत में शांत में कुटीर में रह के प्राप्ति की। भला मंदिर में रह के किसी ने कभी मुक्ति पाया है क्या आज तक? फालतू बात, मंदिर में मालपुआ चढ़ते थे, उनका आरक्षण था न कि भगवान का, सोचा ये भी बांट लेगा बीच में आ रहा है, और कोई कारण नहीं था। भगवान कहते हैं अत्यंत जघन्य अपराधी भी क्यों न हो, मेरी शरण होकर परम श्रेय को प्राप्त होता है। तो हरिजन कहने से, चमार कहने से अपराधी हो जाता है। कृष्ण कहते हैं दुर्लभ मानव तन है तो मेरी शरण आ, मेरा भजन कर, क्या ये मानव तन नहीं है? धंधा पानी जिनका चल गया वो बड़े, नहीं चला वो छोटे, एक नाम पड़ गया। और जबकि आपके पूर्वजों ने अमेरिका को भी रशिया को भी सारे विश्व में आर्य बना डाला, अरियम, यम कहते हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इस संयम में जो आने वाले रुकावट है उनको दूर करने में सक्षम है वो आर्य कहलाता है, जो उस अविनाशी का पुजारी वो आर्य कहलाता है, और नश्वर के पीछे भटकता है गुमराह है पथभ्रष्ट है वो अनार्य कहलाता है। इसलिए किरणवंतो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बना डालो। आज जो भेदभाव देखते हो ये शास्त्र के न होने की वजह से था, शास्त्र जहाँ प्रकाश में आया भेदभाव मिट जाएगा, परस्पर भ्रातृत्व छलक उठेगा, एक माँ की संतान कहलाओगे। महाभारत युद्ध का अंतिम संधि प्रस्ताव असफल हो गया, भगवान कृष्ण लौट रहे थे, दुर्योधन नहीं माना, कर्ण पहुंचाने आए। भगवान कृष्ण ने कहा कर्ण तुम्हें मालूम है तुम कौन हो? बोले भगवान मालूम तो नहीं है, अनुमान लगाता रहता हूं, मैं विकल अवश्य हूं कि मेरी उत्पत्ति क्या है, आखिर मैं हूं कौन? बोले भगवान आप जानते हैं। बोले अच्छी तरह करण तुम कौन तेय हो? 5 महसूर वीर महारथियों के पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, तुम पांडु पुत्र हो, तुम सूर्य पुत्र हो, करण तुम कौन तेय हो? संपूर्ण सत्य यही है अर्जुन। करण, करण के हृदय में एकदम हृदय दर्वित हो गया, प्रेमाश्रु छलक आए। कर्ण बोला गोविंद दुर्योधन ने मुझे राजा तो बना डाला, किंतु इस हीन भावना की चक्की में
कुम्हार के आवे की तरह मैं सुलग रहा था रात दिन, आज आपने मुझे उसी हीन भावना से मुक्ति दे दी। मैं अब हवा में खुल के श्वास लेने लगा हूँ। गोविंद, ये बताइए, इस प्रिय संवाद के बदले में आपका मैं क्या प्रिय कार्य करूँ? भगवान कृष्ण ने कहा, करण, तुम अपने लघु भ्राताओं से, पांडवों से तुरंत मिल जाओ। तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, जहाँ छहों भाई एक हुए तो सृष्टि में कोई ऐसा जन्माई नहीं जो मन में भी सोच सकें कि इन पर हमला करें। तुम अजय हो करण, सम्राट हो चक्रवर्ती, अपने भाइयों से मिल जाओ। तब करण ने लंबी सांस छोड़ी और कहा, गोविंद, एक प्रार्थना हमारी भी है, युधिष्ठिर से कभी मत कहना कि कर्ण तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। वो धर्मात्मा है, जहां उसे पता चला कि कर्ण मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं तो राज मुकुट मुझे दे देगा, और मैं दुर्योधन का हूं ऋणी, मैं वो मुकुट दुर्योधन को दे दूंगा। अब तक मेरे भाइयों ने विविध कष्ट झेले हैं, लाक्षागृह में जलाए गए, जंगल में भरमाए गए, नाना प्रकार के खड़यंत्र उनके साथ हुए। अब तक जो नाना कष्ट भोगा है, अब मैं जान गया हूँ मेरे अनुज हैं, तो मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरे भाई कष्ट पावें। यदि वो राजमुकुट मुझे देगा तो मैं दे दूंगा दुर्योधन को, क्योंकि ऋणी हूँ उसका, मुझे ऋण अच्छा नहीं लगता। अब तक कष्ट भोगे हैं मेरे भाइयों ने, भविष्य में कष्ट ही भोगेंगे, मैं नहीं चाहता कि अब हमारे भाई कष्ट भोगे। गोविंद, जब तक मेरे शरीर में प्राण शेष हैं, तब तक आप युधिष्ठिर से मत कहना। मैं युद्ध तो कौरवों की ओर से ही करूंगा, क्योंकि ऋणी हूं, किंतु अपने ही भाइयों का वध कैसे करूंगा? अब तो मेरा जी चाहता है कि अर्जुन जिए और मैं मरूं। जो अनुज है मेरे द्वारा हर तरीके से रक्षणीय है, भला उसका वध मैं कैसे करूंगा? कर्ण ने प्रण कर रखा था कि दुर्योधन, तुम युद्ध की व्यवस्था भर कर दो, अर्जुन को मरा समझो, मैं तुरंत मार डालूंगा, इसलिए जिंदा हूं। उसी कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी, जीवन भर पाला हुआ वैर त्याग दिया, वैर प्रेम में बदल गया, भ्रातृत्व में बदल गया, केवल जानकारी होने से। गीता आपको जानकारी देती है कि आप कौन हैं, आप ईश्वर की विशुद्ध संतान हैं, कोई ऐसा पाप नहीं जो आपको भगवान से वंचित कर सके, जघन्य अपराधी भी शरण होके परम श्रेय को प्राप्त होता है, ये मानव संहिता है। भगवान कृष्ण ने देखा कि कर्ण का हृदय कितना बदला, जहां युद्ध छिड़ा तो सब भाइयों को कर्ण के आगे फंसा दिया भगवान ने। जब नकुल और सहदेव फंसे, तब कर्ण ने रथ को आगे बढ़वाया, बराबर खड़ा किया और बोले, क्यों बार बार सामने पड़ जाते हो? अपने बराबर वालों में युद्ध किया करो, क्यों बार बार हमारे सामने पड़ जाते हो? शल्य ने कहा, करण, मेरे भांजे थे इसलिए छोड़ दिया। बोले, नहीं राजन, बड़े लोग छोटों पर वार नहीं करते, और करण के भीतर तो था कि छोट का भाई मिल गया, भ्रातृत्व बदल गया। एक बार भीम फंस गया युद्ध में, तो करण ने कहा, भीम केवल बाहुबल काम नहीं देता, थोड़ा बुद्धि से भी काम लिया करो, जाओ सोच विचार के तब आना। एक बार युधिष्ठिर फंस गए तो धनुष की प्रत्यंचा गले में डाल दिया युधिष्ठिर के, और कहा, राजन, द्रोण की दी हुई विद्या आप भूल चुके हैं, जाइए याद करके चार घड़ी विश्राम करके तब आइए। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी फंसा दिया जुगाड़ लगा के, कर्ण ने मरणांतक शक्ति निकाला, तान भी दिया और छोड़ा नहीं।
शकुनी दुर्योधन सब दौड़ पड़े कौरव। बोले अरे कर्ण छोड़ा क्यों नहीं? बोले शकुनी मामा सूर्य अस्त हो चला है, सूर्य अस्त होने से पूर्व मेरी शक्ति वहां पहुंच ही नहीं सकती थी, इसलिए नहीं छोड़ा। तब शकुनी बिगड़ा, तुम कब से धर्मात्मा हो गया? चीरहरण में तुम भागीदार है, लाक्षाग्रह में तू साझीदार है, वनवास में हर खड़यंत्र में तू आगे आगे है। अभी दो दिन पहले अभिमन्यु मारा गया, 7 महारथियों ने मिलके वध किया, अन्याय था, पहला बाण तुम्हारा लगा था, तुम कब से धर्मात्मा हो गए कर्ण? कर्ण ने कहा मामा श्री, जब अभिमन्यु मारा गया था तब सेनापति द्रोण थे, मैं नहीं था। मेरे सेनापतित्व में युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं हो सकता, जो पिता में भीष्म ने निश्चित किए थे उन नियमों का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। अंदर तो था अर्जुन हमारा छोटा भाई है और बाहर पट्टी पढ़ाया, वैर प्रेम में बदल गया, अत्यंत हार्दिक स्नेह में बदल गया, द्वापर में बदल गया, आज बदल जाएगा, वही भगवान कृष्ण की वाणी सुरक्षित है गीता में। गीता आपका धर्मशास्त्र है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन इति गुह्यतमं शास्त्रम मिद मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात् कृत कृतश्च भारत। अर्जुन गोपनीय से भी अति गोपनीय धर्मशास्त्र मेरे द्वारा वर्णित, ये गोपनीय से भी अति गोपनीय, अब गुप्त कुछ भी नहीं, ये शास्त्र है गीता, मेरे द्वारा कहा गया है, इसको जानकर तू लोक में समृद्ध जीवन, सर्वज्ञ सर्वस्व की जानकारी और परम श्रेय प्राप्त कर लोगे अर्जुन। या शास्त्र विधि मुत्सृज्य सेवते काम कारता न च सिद्धिम ने वापनोती न सुखम ने पराम गति। इस शास्त्र विधि को त्याग कर कामनाओं से प्रेरित होकर जो अन्य अन्य तरीकों से भजते हैं उनके जीवन में न सुख है न सिद्धि है और न ही परम गति है, वो सबसे भ्रष्ट हो जाते हैं अर्जुन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहारसि। इसलिए अर्जुन प्रमाणम शास्त्रम ते तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में ये गीता शास्त्र प्रमाण है, ये प्रमाणित शास्त्र है, इसको समझकर तुम भली प्रकार आचरण कर तुम मुझे प्राप्त होगा, तुम अब अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। इसलिए जिस देश में शास्त्र नहीं, जिस धर्म में शास्त्र नहीं, वो धर्म है ही नहीं। जिन्हें जिंदा देखते हो उनकी घड़ी टल रही है, वस्तुतः वो है नहीं। यदि कागजात सही नहीं तो ये खेत आपका नहीं, ये मल्ला आपका नहीं, घर आपका नहीं, कुटुंब रजिस्टर में नाम नहीं तो आप अपने पिता के लड़के ही नहीं। तो अनादि शास्त्र, अनादि धर्म गुरु भारत और धर्मशास्त्र नील, एक भंवर आया था जहां लोगों ने कहना शुरू किया था गीता घर में मत रखो, ये तो सन्यासियों की है, तुम्हारा लड़का साधु हो जाएगा, गीता घर में मत रखना, तुम्हारा धर्मशास्त्र स्मृति, लेकिन स्मृति पढ़ना मत, स्मृति ऐसा शास्त्र है जिसको ब्राह्मण नहीं जानता, जो गर्भाधान से चिता तक का मंत्र जानता हो उसे स्मृति दिखाओ। ये बताओ ब्राह्मण देवता भी गर्भाधान से चिता तक का मंत्र कितने लोग जानते हैं? शायद 1000 में एक। वो फिर पढ़ के जैसे जैसे कह दें वैसा मान लो, तुम स्वयं नहीं पढ़ सकते, शास्त्र हमारा हम पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि पढ़ी लोगे तब तो कान खड़े हो जाएंगे। किंतु गीता के लिए भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन हम दोनों के इस संवाद को
जो इन भटके हुए मेरे भक्तों में प्रसारित करेगा, उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला संसार में कोई नहीं होगा। उसके द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा, मेरी पूजा पूर्ण हो जाएगी, और जो अनपढ़ है केवल कानों से सुनेंगे वो भी उत्तम लोकों को प्राप्त होंगे। इसीलिए जब कोई बुजुर्ग और बचने की उम्मीद नहीं रहती तो खाट के पास गीता पढ़ाई जाती है। पढ़ाना चाहिए, कान से तो अवश्य सुन लेंगे, उनकी अधोगति कभी नहीं होगी, उनके हृदय में संस्कार पड़ जाएंगे कल्याण के। अगले जन्म में वो जहाँ छूटे वहीं से भजन आरंभ करेगा, तो कहने और सुनने में। और गीता पापियों का पाथेय है, पुण्यात्मा के लिए नहीं। वो पुण्यात्मा तो वो जो पूर्णत्व की ओर अग्रसर हो गया। जघन्य अपराधी भी क्यों न हो, अनन्य भाव से बसता है, साधु मानने योग्य है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय। 5 मिनट में विवेकानंद ने वह कुछ बोल दिया, गरीब गुलाम देश का साधु, जल्दी जगह न मिले उनको। अंत में जगह मिली तो 5 मिनट समय मिला। 5 मिनट में विवेकानंद ने वह कुछ बोल दिया, समय उनका बढ़ता ही चला गया, 21 मिनट बोले। दूसरे दिन से 1 घंटा, तीसरे दिन से सारा समय विवेकानंद का। परपंच बताने वाले चुप। जब बहुत से भगत हो गए अमेरिका में उनके, तब भक्तों ने कहा, गुरुजी ये क्या कपड़ा लपेट रखा आपने, आप बढ़िया ड्रेस क्यों नहीं पहनते? ले मैं बढ़िया ड्रेस ले आया हूं। तो विवेकानंद ने कहा, देखो तुम लोगों के राष्ट्र में कपड़ों से आदमी की पहचान होती है कि कपड़े किसके बढ़िया, उतना ही आदमी बढ़िया। किंतु हमारे भारत में कपड़ों से आदमी की पहचान नहीं होती, आचरण से आदमी की पहचान होती है, चरित्र से पहचान होती है। ज्यों ज्यों चरित्र उन्नत होता जाता है, कपड़े कम होते जाते हैं। एक दिन वो महापुरुष दिगंबर भी हो जाते हैं, फिर भी परम पूजनीय होते हैं। ये भारतवर्ष है जहाँ चरित्र की पूजा होती है, आचरण की पूजा होती है, हमारी संस्कृति है, इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। एक बार भगवान शिव के दरबार में नारद पहुँच गए, माता पार्वती के दरबार में। पार्वती जी से कहा, बोले, माता जी क्या गले में माला, हाथ में माला, ये भी कोई वेशभूषा है? देखो ना, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, इंद्राणी, समस्त देवियां लपा लप एड़ी से चोटी तक जेवर पहन के घूम रही हैं। तो पार्वती ने कहा, अरे बेटा, भोलेनाथ की सेवा, सुमरन भला, इससे बढ़िया क्या होगा? बोले, माताजी कुछ भी कहो, पूरा संसार तृषित आंखों से देख रहा है उन देवियों की ओर। क्या लपा लप एड़ी से चोटी तक जेवर, संसार की निगाहें टिकी की टिकी रह जाती है। नारदी ठहरे, आस्ते आस्ते चाबी भर ले गए। पार्वती में भी जेवर का शौक बढ़ गया। भोलेनाथ जब पहुंचे तो उस दिन ठंडाई तैयार नहीं थी, तो बोले, अरे भाई भांग ठंडाई? बोले, 50-55 चेला आपके पास है, नंदी भृंगी कौन कौन, अपना पिसवा लिया करो, अपना पी लिया करो, अब हमारे माथे ये ठंडाई नहीं पीसी जाएगी। बोले, भाई बात क्या है? बोले, हम आज से जेवर पहनेंगी। तब भोलेनाथ चेलों की ओर घूमे, क्यों रे, नारदुआ तो नहीं आया था यहाँ पर? बोले, हाँ भगवान, आज माताजी से बड़ा लंबा सत्संग किया है नारद ने। तो बोले, ठीक, तब तुम ऐसा करो, पार्वती लियो हमारा एक बाल ले जाओ जटा का, और जाओ जेवर पहन के चली आओ। पार्वती बड़ी संकोच से बाल लेके गई, रास्ते में सोचने लगी, भला इस रोवा के बदले मिलेगा भी क्या,
फिर सोचा चलो कुछ कान का मिल जाए, कुछ नाक का, हार तो मिलना मुश्किल है, शायद पाँव की कोई मिल जाए छोटा मोटा। बड़े संकोच से आगे बढ़ रही थी, फिर विचार किया बेचारे भोलेनाथ ही क्या करते, गृहस्थी तो हमारी सब जानी हुई है, कोना कोना झाड़ू तो मैं ही लगाती हूँ, है ही क्या उनके पास, बेचारे क्या करते, खैर कुछ तो मिलेगा। जहाँ करीब पहुँचे तो कुबेर की दृष्टि पड़ गई, दौड़ के आया माताजी के चरणों में, साष्टांग दंडवत किया, माताजी सेवक को बुला लेना चाहिए था, आपने कष्ट क्यों किया। तो बोले अरे बेटा काम ही कुछ ऐसा ही था, हमें आना पड़ा। लियो, बोले भगवान माताजी क्या सेवा है। बोले लियो ये भोलेनाथ के जटा का बाल लियो और बदले में हमें जेवर दे दो थोड़ा। कुबेर ने बाल को मस्तिष्क से लगाया, तराजू में मखमल बिछा के रख दिया और लगा जेवर चढ़ाने। फिर सारा जेवर चढ़ गया कुबेर का, फिर खजाना चढ़ा दिया तो वो भी चढ़ गया, स्टेट लिख के रख दिया वो भी चढ़ गया, अपने वो कूद के बैठ गया वो भी चढ़ गया। तब आके प्रणाम किया, माताजी भोलेनाथ से के कोप से मेरे प्राणों की रक्षा कर दो, आपको जितना जेवर पहनना हो वैसे ही पहन लो, इस बाल को खरीदने की हैसियत हमारी नहीं है, और आप रोज पहन के फेंका करें और रोज बदला करें। तब पार्वती की आंख खुली, बोले लाला हमारा बाल ला, लिया बाल चली गई, जेवर नहीं पहना। आके विधिवत बांग ठंडाई और भजन में लग गई, कीर्तन में। जब नारद पहुंचा बोले क्यों रे नालायक, पृथ्वी के कुछ हिस्से का नाम है अच्छी मट्टी, कुछ हिस्से का नाम है खराब मट्टी, कुछ हिस्से का नाम है सोना, कुछ कंकड़ों का नाम है हीरा, ये बोझा मन भर सिर पे लादने से कोई श्रृंगार होता है। मानव का श्रृंगार है चरित्र, आचरण, संयम, सुमरन और भोलेनाथ की सेवा। बोले माताजी यही उपदेश सुनने के लिए हमने थोड़ी दृष्टता की थी, नारद ही ठहरा भागा एक तरफ से, इसलिए हमारे यहाँ चरित्र की पूजा है, माताएं बच्चे और सब के अंदर एक गुण होना चाहिए, एक परमात्मा के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाओ, श्रद्धा और भाव के साथ उनको जो पुकारता उस नाम का जाप करो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते खुरपी चलाते हर समय नाम स्मरण बना रहे, हर समय नाम याद आया करे, सुबह शाम बैठ के आधा घंटा समय अवश्य दो, बैठ के समय दो। हम 4 बजे जब यहाँ हर्षवाड़ी से निकले, 40 गांव से आए, तो कुछ लोग खड़े होके कीर्तन कर रहे थे मजीरा बजा के, कुछ लोग बैठ के मंदिर में कीर्तन कर रहे थे, कुछ रोड में कीर्तन करते हुए चल रहे थे, भक्ति की धारा बह रही थी वहाँ पर, वही सुनते हुए यहाँ तक आ गए। तो इस क्षेत्र में, इस पवित्र भूमि में बहुत ज्ञान ध्यान की आवश्यकता नहीं, लेकिन मूल भ्रांति एक है, कोई पता नहीं किसकी पूजा करता है, कोई किसकी करता है, ईश्वर एक, प्राप्त करने की विधि एक, रास्ते में मिलने वाली सुविधा एक जैसी, और परिणाम एक, परम श्रेय की प्राप्ति, भगवान एक से सवा हुआ ही नहीं। इन सारी शंकाओं के समाधान के लिए आपको गीता आगे रखनी चाहिए, माताएं पढ़े, बच्चे पढ़े, बड़े पढ़े, ओम का जाप करो, चाहे राम दोनों का अर्थ एक, परिणाम एक, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। गीता उठा लो, गीता उठा लो, ओम जय सिया राम जय जय सिया राम, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जोतन पाई भजिए रघुवीरा,
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। संसार में सुख और दुख का जोड़ा है, मुसीबतें आती ही जाती रहती हैं। सबको एक होना चाहिए मुसीबत में। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। एक सेठ से थे बहुत मजे में करोड़पति। एक बार लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया, बोले बेटा एक वर मांग लो। सेठ घबरा गया, बोले माता जी 7 दिन का मुझे समय दे, मैं परिवार से पूछ तो लूं कि मुझे क्या वर मांगना चाहिए। घर वालों से कहा, देखो माता जी ने कहा एक वर मांग लो, इसका अर्थ जानते हो? इसका अर्थ होता है कि पुष्ट दर पुष्ट से लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास करती थी, आज एक वर दे के कहीं जाना चाहती है वो। बोलो क्या मांग लूं? तो किसी ने कहा आप चक्रवर्ती का पद ही क्यों नहीं मांग लेते, प्रधानमंत्री का पद मांग ले और हीरे मोती मांग ले, विदेश में कारोबार मांग ले। 7वें दिन जब लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया, बेटा वर मांगो, बोले माता जी ऐसे ऐसे सुझाव आए किंतु हमारी समझ में कुछ नहीं आया। एक वरदान दे माता जी, हमारे घर में सदैव सुमत बनी रहे। लक्ष्मी जी ने कहा एवं अस्तु, आशीर्वाद दिया और चली गई। एक 20 मिनट बाद फिर लौट आई तो सेठ घबरा के खड़ा हो गया, बोले माता जी आप लौटी कैसे, कुछ भूल गई क्या, मुझसे कोई भूल हो गई? बोले अरे बेटा न तुझसे भूल हुई है और नहीं मैं कुछ भूली हूं, तुमने तो वरदान में मेरे को ही मांग लिया, तुमने सुमत मांगा। मेरे जाने का अर्थ होता है माल गजा रहे और भोगते न बने, थाली परोसी रहे चांदी की थाली में भोजन परोसा रहे और खाते न बने। 4 भाई है तो 4 तरफ मुंह हो जाए सबका, कौड़ी के 2 हो जाए तहस नहस हो जाए। मेरे जाने का अर्थ होता है दुर्मति आ जाए, तुमने सुमत मांग लिया। तो जहां सुमत होती वहीं मैं हुआ करती हूँ, तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमत होती है वहां नाना प्रकार की संपत्ति होती है, समृद्धि होती है। जहां कुमत होती वहां विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है, भोगे नहीं पटाता। इसलिए वत्स तुमने तो मेरे को ही मांग लिया, तुमने सुमत मांग लिया। जहां सुमत होती वहां मैं निवास करती हूँ। फिर लक्ष्मी जी उसी घर में रहने लगी तो हर व्यक्ति में, घर में, गांव में, पड़ोस में सर्वत्र सुमत होनी चाहिए। जहां सुमत है वहां समृद्धि है, कुमत है वहां विपत्ति के पहाड़ हैं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की। जहां सुमत है वहां लक्ष्मी जी निवास करती है। ये कौड़ी हीरा होते देर नहीं लगेगी, इसलिए सबको चाहिए सुमत की शिक्षा रहे। और वो सुमत हरि का भजन करने से आएगी, कहने से नहीं आएगी। सुबह ब्रह्म वेला में जैसे हर्षवाड़ी के सब लोग कीर्तन करते हैं, हर गांव में होना चाहिए। ये गौरव की बात है। ये आपका आश्रम आस्ते आस्ते अब तो अच्छा लगने लगा,